नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोग्रेस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने जा रहे हैं 21 जुलाई 2020 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, और सबसे पहले देख लेते हैं हमारा कल का क्वेश्चन ऑफ द डे। कल मैंने आपसे पूछा था चैंपियंस लीग में भाग लेने वाला पहला भारतीय क्लब कौन सा बनेगा, तो इसका सही उत्तर है एफसी गोवा। तो एफसी गोवा पहला ऐसा भारतीय फुटबॉल क्लब है जो कि चैंपियंस लीग में भाग लेगा। इसके पहले जो मोहन बागान और ईस्ट बंगाल, ये दो क्लब ऐसे रहे हैं जिन्होंने एशियाई क्लब चैंपियनशिप तो खेली है, लेकिन ये दोनों क्लब भी चैंपियंस लीग नहीं खेली थी इन्होंने। लेकिन अब जो है एफसीआई गोवा जो है ऐसी पहली टीम बनने जा रही है जो चैंपियंस लीग खेलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी पहली न्यूज़। भारत ने पिछले 10 वर्षों में कितने करोड़ से अधिक लोग गरीबी से ऊपर आए हैं, गरीबी रेखा से जो ऊपर आए हैं। तो देखिए क्या हुआ है, भारत में पिछले 10 वर्षों में 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। और यूएनडीपी की जो एक रिपोर्ट है उसके अनुसार ये बताया गया है कि भारत में 27 करोड़ ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। और यदि देखा जाए इस रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा बताया गया है कि 2005 से लेके 2005-06 से लेके 2015-16 के बीच जो 10 सालों का एक जो उन्होंने एक आकलन किया है, उसमें सबसे ज़्यादा गरीबी में गिरावट भारत में ही आई है। तो एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है, बहुत अच्छी खबर है भारत के नज़रिए से। और यहाँ पे यदि हम बात करें यूएनडीपी की, तो इसका हिंदी में मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसकी हुई थी 22 नवंबर 1965 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी आज की दूसरी न्यूज़ को। कौन सा अधिनियम 20 जुलाई 2020 से लागू हो गया है, तो पिछले साल ये नियम बना था अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, और इसी को अभी 20 जुलाई 2020 से मतलब कल से लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम में है क्या, देखिए इसमें उपभोक्ता संरक्षण परिषद है, उपभोक्ता विवाद निपटारा यदि किसी खरीद फरोख्त को लेकर यदि कोई विवाद है, और मध्यस्थता, उत्पाद की जिम्मेदारी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये, और उनके खिलाफ जो दंड होगा ये भी इस अधिनियम में उसका प्रावधान है। और इसमें जो है ई कॉमर्स कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों को वापस लेना, गारंटी वारंटी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो है 20 जुलाई को मनाया जाता है। और शतरंज एक ऐसा खेल है जिसको दुनिया के लगभग 70% वयस्क लोग जो है इसको खेला हुआ है कभी ना कभी। और इसकी जो शुरुआत 1966 से की गई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और 20 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो ये मनाया जाता है। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की जो स्थापना है 20 जुलाई 1924 को हुई थी, इस कारण से 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ है इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, ग्रीस देश के एथेंस में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। किस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी भारतीय महासागर में सुपर जाइंट इजोपॉड प्रजाति देखी है, तो ये कुछ नहीं है, एक बड़ा आकार का एक कॉकरोच है। ठीक है, और इसको खोजा गया है कहाँ, सिंगापुर में। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इतने बड़े आकार का एक जो कॉकरोच है इसकी अभी खोज की गई, इसके 14 पैर हैं, और इसका नाम जो है वो क्या है, बाथाइनोमस रक्सासा, ये इसका नाम है। और 2018 में बेंटम इंडोनेशिया में पश्चिम जावा के दक्षिणी तट पर इसे खोजा गया था, और इसको आमतौर पर विशालकाय कॉकरोच के रूप में जाना जाता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। भारत ने किस देश में पेट्रोलियम की रणनीतिक भंडार को रखने की चर्चा के लिए समझौता किया है? तो पेट्रोल का जो भंडारण है उसके लिए भारत ने अमेरिका से समझौता किया है, ठीक है। और क्या है, भारत में जनरली क्या है, तीन ऐसे स्थान है जहाँ पर भारत अपना जो पेट्रोलियम है उसको संरक्षित करता है, उसको रखता है, जैसे मैंगलोर, पाड़ूरट और विशाखापट्टनम। ये तीन भूमिगत ऐसे स्थान है जहाँ कच्चे तेल का भंडारण करता है। लेकिन अब कच्चे तेल के भंडारण के लिए उसने किससे समझौता किया है? अब उसने समझौता किया है अमेरिका से, और उसके लिए ही एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर अभी किए गए हैं। अब बात करें यदि हम संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति यहाँ के वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप है, और यहाँ की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है, जिसकी अभी वैल्यू है 76 रुपये के बराबर। किस राज्य सरकार ने कचरे से बिजली उत्पादन करने का निर्णय लिया है? तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है उत्तराखंड की सरकार ने। और उत्तराखंड की सरकार ने क्या किया है, कचरे से बिजली बनाने की योजना को प्रारंभ किया है, जिसका नाम क्या है, वेस्ट टू एनर्जी। एक पहल इसको शुरू किया गया है, वेस्ट टू एनर्जी। और इसमें क्या होगा, राज्य से जो कचरा उत्पन्न होता है इससे क्या होगा, बिजली बनाई जाएगी, ठीक है। और इसके तहत क्या होगा, जितना भी कचरा उत्पन्न होगा उससे लगभग 5 मेगावाट बिजली जो है पैदा की जा सकती है, और इससे क्या होगा, प्रदूषण पर भी अंकुश लगेगा, ठीक है। और यदि हम बात करें उत्तराखंड की, तो इसकी राजधानी देहरादून है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत हैं। वहीं बात करें यदि राज्यपाल की, तो बेबी रानी मौर्य हैं। विधानसभा सीटें यहाँ 71, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें मात्र 3 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को कब तक रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपको याद रखना है कि वर्ष 2023 तक भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए डिटेल से देखते हैं, ठीक है। और अभी जैसे आप सभी को पता है कि जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य, वहाँ से हमारी रेलवे की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है नहीं, और चीन से जो हमारे संबंध बिगड़ रहे हैं, वहाँ पे जिस तरीके से वो अपने क्षेत्र में रेल लाइन बिछा रहा है, तो इससे एक संकट की स्थिति बन रही है। तो इस कारण से भी इस परियोजना को जल्दी से जल्दी करने का, सुरक्षा की दृष्टि से भी इसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जा रहा है, और देश के अन्य हिस्सों को इससे जोड़ा जा सके और आवागमन जो है आसान हो सके, इस कारण से इसको किया जा रहा है। और रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वी के यादव, उन्होंने ऐसा बताया है कि 2023 तक ये रेलवे नेटवर्क जो है वो जोड़ दिया जाएगा। और जो 7 सिस्टर हैं पूर्वोत्तर राज्य जो हैं, 7 बहनें जिनको कहा जाता है, ये राज्य आपको याद रखना कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। और अभी हाल ही में क्या है, तीन जो राजधानी, इनका काम अभी चल रहा है, मणिपुर, नागालैंड और मेघालय। और ऐसा बोला गया है कि 7 राज्य की जो राजधानी है उनको जोड़ने का काम 2023 तक पूरा हो जाएगा। BCCI पर IPL से किस टीम को बाहर करने के लिए 4800 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है? तो अभी BCCI पर डेकन चार्जर्स को बाहर करने के लिए 4800 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है, ठीक है। और ये शुरुआत में क्या हुआ था, IPL में 8 फ्रेंचाइजीज थी, उनमें से एक डेकन चार्जर्स भी थी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो IPL का दूसरा ही संस्करण था 2009 का, उसका खिताब डेकन चार्जर्स ने जीता हुआ था। फिर इसके बाद IPL से इसको निष्कासित कर दिया गया था, और उसके बाद जो केस है लगातार कोर्ट में था, और अभी आर्बिट्रेटर ने BCCI के खिलाफ फैसला देते हुए उनको 4800 करोड़ रुपये का जुर्माना देने की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। किस राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है? तो इसको शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है, और इससे होगा क्या,
7.5 लाख की जो वित्तीय सहायता है वो दी जाएगी जिनको बेरोजगार, अनुसूचित जाति और विस्थापित लोगों को, ठीक है ना, बेरोजगार जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको 7.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और इस योजना के तहत जो राशि प्रदान की जा रही है उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? जनरेटर सेट, लॉन्ड्री, ड्राई क्लीनिंग, परचून की दुकान, साइबर कैफे, टेलरिंग, बैंकिंग, बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट, टेंट हाउस, गौपालन आदि ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें इसका उपयोग किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। किस राज्य में पंचायत सदस्यों के लिए 25 लाख रुपए का बीमा कवर स्वीकृत किया गया है? तो आपको याद रखना है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में क्या किया गया है, जो पंचायत सदस्य हैं उनके लिए 25 लाख रुपए का बीमा कवर स्वीकृत किया गया है। इसके तहत होगा क्या, देखिए जितने भी वहाँ पे नगर पंचायत हैं या ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, इन स्तरों पर अधिकारी काफ़ी भयभीत रहते हैं क्योंकि वहाँ आतंकी हमले जो हैं लगातार होते रहते हैं। तो ऐसे में उनको 25 लाख रुपए का जो बीमा कवर की घोषणा इसलिए की गई है ताकि वहाँ पे लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो बेहतर हो सके और लोग निडर रूप से जो है वहाँ पे कार्य कर सकें। अब यहाँ इसे किया जा रहा है कहाँ, जम्मू कश्मीर में। तो चलिए जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल जो हैं कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। चलिए, और ये पहले राज्य हुआ करता था, अब यहाँ ये क्या है, एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को। किस प्रदेश में अपनी तरह की पहली गोधन न्याय योजना शुरू की गई है? गोधन न्याय योजना को कहाँ शुरू किया गया है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है, तो किस राज्य में हो रहा है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ या झारखंड में? आज के इस वीडियो की पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।